ये देखें यार, इस रैकेट को ये पता नहीं इसको क्यों तंग कर रहे हैं, मैं इन दोनों को। ये क्या, ये कब मरा है यार, इसे पता नहीं क्या हुआ। हेलो दोनों दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब कैरियर होंगे। पैसिंग की नई वीडियो के साथ में आप सामने हाजिर खिदमत हूँ। यहाँ देखें यार, अभी शाम का टाइम हो चुका है और माशाल्लाह से देखें ये बर्ड्स कितने खुश है, इनकी आवाज़ सुने ज़रा। और आज मैंने देखा था ये जो मेरा येलो वाला पेड़ है जो कल मैंने आपको दिखाया था, आज ये भी ये सेकंड नंबर वाले जो बॉक्स है उसके अंदर बैठ रहा था। और एक हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये सेकंड पेड़ है जो अभी बैठना स्टार्ट कर रहा है। और ये देखें अभी ये मेरा है ग्रीन पैरट, इसको आज मैंने दाना डाल दिया था सुबह, उसके बाद इसको मैंने आज दिन को जो है फ्रूट्स वगैरह भी खिलाए थे, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खास करके ये दानों की नस्बत बहुत ज़्यादा शौक से जो है ना ये फ्रूट्स खाते हैं, दानों से ज़्यादा इनको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। अब मेरे मिर्चें वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ कि जो मेरे रैबिट्स हैं इनको आज मैंने ये देखें, आज मैंने इनको काफ़ी किस्म की ये सब्ज़ियाँ मेरे पास जो है ना ये घर की यूज़ वाली जो होती हैं पड़ी हुई थी, ऐसी पूरे मैंने शॉपर इनके आगे रख ली यार, ये काफ़ी सारा सुबह से खा रहे हैं। ये देखें ये भिंडियों के छिलके थे और इसमें और भी काफ़ी सारी सब्जियां थी यार। आज एक और आपको चीज़ बताऊँ, ये देखिए जो मेरा रैबिट हाउस था इसका आज काफ़ी सारा हमने काम और कर लिया। ये देखें इसके ये लग चुका है इसका फ्रंट साइड गेट, ये इसका फ्रंट साइड गेट, ये इधर से ओपन होगा। इसके बाद इसका बैक साइड गेट जो है वो भी आपको दिखाता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ भी सिर्फ एक जाली लगनी रहती है, बाकी उसमें थोड़ा बहुत और काम रह गया। ऑलमोस्ट उसका 80% से ऊपर जो होता है वो काम क्लियर हो चुका है। ये चेक करें, ये दूसरा इसका ये जो गेट है इसका डिज़ाइन अलग किस्म का है, ये इस तरह खोलेगा ये गेट। ये यानी कि अप साइड जो है ना जाता है स्लाइड होके ऊपर वाली साइड को जा रहा है और वहाँ से ये जो है ना ये ओपन और क्लोज होगा। ये देखें यार, अब ये खा रहे हैं इधर से ये सब्जियाँ वगैरह, इसमें कपड़ में पड़ेंगे यहाँ से ये खा रहे हैं छोटे वाला। अभी ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा इनका और रैबिट हाउस जो है इसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें ये आसानी होगी कि रात को अगर इनको सिर्फ इनकी टनल्स में बंद करते हैं फिर वो वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, इसको हम जो है ना इनके केज के अंदर डायरेक्ट बंद किया करेंगे। इसके बाद ये जो दूसरा एरिया जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हम ये वाला ये जो इसकी बैक साइड आती है ये इस एरिया में इसकी सीट तक यहाँ तक ये सारी एरिया है, इसको हम करके पक्का ईंटों से नीचे जो है ना फर्स्ट स्टेप बना के ईंटों से ये भी इनके लिए हम ओपन करेंगे ताकि हम दिन को इसके अंदर इनको छोड़ सकें और वहाँ पे आज़ाद घूम सकें। और क्योंकि थोड़े खुले एरिया इनके लिए होता है इजीली ये जंपिंग वगैरह कर सकते हैं, जिस तरह इनकी नेचर है थोड़ा खुले आज़ाद रहना उस तरह से ये जो है ना रह सकेंगे। तो ये रैबिट्स तो अभी खा रहे हैं और अभी ये मेरे हाथ में है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के दाने और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के दाने अभी मैं इनको डाल देता हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका है, सुबह भी मैंने डाले थे उससे पहले भी डाले थे, अभी इनको हम शाम के टाइम के जो है ना वो डाल देते हैं यहाँ पे। ये एक सेकेंड, ये डाल दिए हैं मैंने और अभी हम चलते हैं अपने ग्रीन पैरट के पास, तो मेरे ख्याल से पड़े हुए हैं, हाँ इसके पास पड़े हुए हैं। ये देखें यार, ये सारे आ चुके हैं खाने के लिए। अभी हम देखता हूँ जाके, मैं मास्टर केज के अंदर जाके चेक करता हूँ मास्टर केज के पास किस किस बर्ड के पास खाना पड़ा है और किसके पास नहीं है। तो यार अब आ चुका हूँ मैं अपने मास्टर केज के अंदर और यहाँ देखें ये मेरी फिंचीज ऊपर बैठी हुई हैं, कॉकटेल्स भी, और ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी तकरीबन खाना खा चुके होंगे। और ये एक डव नीचे बैठी है और दो तीन डब से घूम रही हैं और ये हमारी जो एग्ज वाली डव है ये यहाँ पर बैठी हुई है, इसको यहीं बैठे रहने देते हैं, इसके ज़्यादा करीब नहीं जाता नहीं तो ये उड़ जाएगी। बाकी ये इसके अंदर भी ऑलमोस्ट है तकरीबन, क्योंकि इसके अंदर छिलके बन जाते हैं, ऐसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि इसके अंदर दाने पड़े हैं ऐसे छिलके पड़े हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के लिए हैं, इनको सुबह जो है ना फिर डालने पड़ेंगे मुझे। ये देखिए ये अंदर बैठी थी मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से आई है कि तो ये क्या चेक करता हूँ, इसने शायद और एग्स दिए हैं और भी इसके एग्स किधर गए, इसके एग्स ही नज़र नहीं आ रहे। असल में बहुत ज़्यादा आगे अब घास आ चुकी है इस वजह से कैमरे के अंदर धुंधला जाते हैं आगे आके। ये बाकी वाली इसके एक इधर एक पेयर जो था ना वो इस वाले के अंदर एक नेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी वजह समझ नहीं आती, कभी वो नेस्टिंग करना शुरू कर देता है कभी फिर छोड़ देता है, कभी फिर शुरू करता है फिर छोड़ देता है, वो लगा वैसे ही तरह उसको जो है ना मैंने भी कहा देखते हैं कि वो कब तक जो है ना करता है यार। इसी के साथ बाकी ये वाली डब हमारी एक बार बैठी हुई है, अब पता नहीं कितने टाइम तक ये जो है ना अपने अंडों से बच्चे निकालेगी, अब इसका जो है ना चेक करना पड़ेगा। यहाँ बाकी बस पानी वगैरह भी पड़ा हुआ है, ये मैंने फोन कर दिया था, सारा कुछ पड़ा हुआ है
और ये देखें यार हमारे मास्टर केज के ग्राउंड पर इस बटेर ने रात को क्या किया, ये जो एक बड़े वाला मेज है इसने रात को वहाँ से जंप मार के ये इधर ये जो टैनी लगी हुई है इधर स्टैनी के ऊपर ये चढ़ा हुआ था। मैं वहाँ से आगे जब देखा रात के टाइम पे मैं कही यार ये क्या चीज़ है, जब देखा तो और से वो बटेर हुआ था, मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कही ये इतना ऊपर कैसे पहुँच गया। अभी अभी इन्होंने वैसे जंप मारना शुरू किया, थोड़ा बहुत ही वैसे बोलते भी हैं, अपनी आवाज़ें भी निकालते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं निकालते, ज़्यादातर जो जंगली बटेर होते हैं वो आवाज़ें निकालते हैं। ये देखें यार ये सारे एक जगह बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं एक जगह पे यहाँ इस तरह बैठ के। ये चेक करें यार आप, कॉकटेल्स भी हमारी और हमारे डव, ये हमारी आगे फिंच, ख़ास करके ये जो हमारी कॉकटेल्स है वाइट वाली ये बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह से। बाकी भी खैर सारे ही अच्छे लगते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं हमारे वो भी माशाल्लाह से सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। अभी मैं चलता हूँ अपने ग्रीन पैरट के पास है, उसको हमने अभी बाहर निकालना क्योंकि आज हमने उसको दिन को बाहर नहीं निकाला, मैं उसके अंदर बिजी था रैपिड हाउस वाले काम की तरफ, अभी उसको बाहर निकाल। ये मेरे ग्रीन पैरट जो है वो कभी कभी हो जाता है टेम, लेकिन ये कभी कभी फिर से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होना शुरू कर देता है। किसी को अगर आइडिया हो तो वो भी काइंडली मुझे लाजमी बताइएगा कि इसके ज़्यादा हम किस तरह क्या करें कि ये इतना एग्रेसिव ना हो, मतलब हमारे साथ जो है ना वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए। देखिएगा जैसे ही मैं अंदर हाथ करूँगा ना अभी तो ये बजाय इसके कि मेरे हाथ पे आए ये भागना शुरू कर देता है, ये हाथ पे आने की बजाय जो है भागने लग पड़ता है। देखें ये मतलब करीब नहीं आता, बहुत अंदर होता है तब ये बहुत डरता है। ये यार देखें अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया और ये यहीं पर मास्टर केज के साथ ही लटक गया। अब इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ नाम से हाथ से ताकि कहीं आगे ना चला जाए। ये देखें ये रैपिड हाउस के अंदर चला गया, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आती ये इधर एकदम से इधर आती नीचे इधर क्यों भाग गया था सामने तरफ। अब ये रैपिड हाउस के अंदर आ गया, पाइप पे जाने की कोशिश कर रहा है। इस वाले रैपिड को देखें यार जो ऊपर से आड़ू की टहनी नीचे आई है लटक रही है ऐसे खा रहा है। और ये ग्रीन पैरट वायर है इसको मैं जाके पकड़ लूँ। ये देखें यार ये रैपिड से इसके पीछे इसलिए भागता मुझे लगता है शायद ये ग्रीन है तो इन्हें लगता होगा शायद ये कोई खाने वाली चीज़ है। देखें कितना क्लोज उसके साथ घुस के बैठे हुए हैं दोनों, एक तरह से ये से पकड़ना मुश्किल होता है इसको। ये देखें यार इस रैबिट को ये पता नहीं इसको क्यों तंग कर रहे हैं, मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ इससे पहले कि जो है ना ये इसको कोई नुकसान ना पहुँचा दें, इसको मैं पकड़ लिया दोनों को लेकर। तो यार ये देखें अब फाइनली इसको मैंने बिलाखिर बड़ी मेहनत के बाद पकड़ ही लिया, लेकिन ये फिर ये देखें जंप मार गया नीचे। कल यार मैंने इसलिए ये जगह डिस्कवर की थी जहाँ से ये नीचे नहीं आ सकता बार बार और इधर उधर भाग नहीं सकता, दरवाजे के मैं इसको एच के ऊपर बिठाता हूँ उससे ये होता है फ़ायदा कि ये बार बार इधर उधर नहीं जाता और मुझे तंग नहीं करता, करीब भी रह सकता है इस तरह हमारे। तो इस तरह मैंने इसको जाहिर कल इस तरह यहाँ काफ़ी टाइम इधर बिठाई रखा था। तो यार अब इसको मैं फाइनली वापस छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, देखें ये कितना जल्दी में और मेरे पास जाते ही इसी पहले जंप लगा देगा मेरे से भी। इसको मैं नीचे करता हूँ ताकि खुद ही अंदर चला जाए, ये बैठे खुद ही अंदर चला गया अभी। यार अब हो चुका है रात का टाइम में, देखें ये रैबिट मेरे यहाँ पे खा रहे हैं ये वाली सब्जियाँ, जब ये खा चुकेंगे तो फिर इनको मैं बंद कर दूंगा, उससे पहले बाकी सारी चीज़ें को कर लेते हैं। ग्रीन पैरट को यहाँ से हम उठा के अंदर रख देते हैं रात को, बाकी उसके ग्रीन पैरट से दे ही रहेंगे। मास्टर केज के बर्ड्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये सारे ट्री के ऊपर बैठते हैं, ये उनके लिए हमने ट्री लगाया हुआ है ना, मैं अभी आपको अंदर से चेक कराता हूँ। ये चेक करें ये सारे ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, ये डब्स हमारी और कॉकटेल्स, कॉकटेल्स इसके नीचे बैठती हैं और डब्स इसके ऊपर बैठती हैं, और फिंचेस हमारी वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे होती हैं, वो आई थिंक इसके अंदर होती हैं, बल्कि नहीं इधर नहीं, पहले तो वो इधर बैठती थी, अब मैं पता नहीं किधर बैठती हैं मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पर। ये देखें यार ये तो यहीं पर छुपी हुई थी कहीं कहीं, एक जो है वो फिंच यहाँ पे आज फिर बैठी हुई थी, बाकी मेरे ख्याल से ये इधर ऊपर बैठती थी। ये अब सारी कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वो गई कि मैंने सारी की सारी इधर, ये तो कहीं बैठी भी होंगी ये होती भी छोटी सी हैं। ये एक पैर देखें ये एक पैर यहाँ बैठा हुआ है, ये अपने एग्स के पास बिल्कुल बैठा हुआ है, बहुत ही अंदर छुप के घुसे रहे हैं। बाकी ये क्या ये कमर है यार, इसे पता नहीं क्या होगा, अच्छा बल्कि नहीं ये मरे नहीं है यार ये जिंदा है, मुझे डरा दिया इन्होंने एकदम, मुझे लगा कि जैसे ये मर गए डरे जिंदा से बिल्कुल, ये असल में इसके अंदर घुस के आजकल यार ये देखें ये अंदर से बाहर आ गया,
एकदम से अंदर आई है, मुझे डर लग गया। मैं कहा यार ये क्या चीज़ है। चले यार अब इनको ज़्यादा नहीं छेड़ते, इन्हें यहीं लेट बैठे रहने देता हूँ। ताकि एक ये बैठी हुई है, ये पता नहीं देखे किधर इधर आ गई। चलो यार जाओ सारे एक जगह पे, अलग अलग क्योंकि रहते हैं तो रात को यहीं डर ना जाए। इनको इनकी वापस अपनी जगह जगह पे जाए ना, सानों को भेज देते हैं। तो यार अब ये खा चुके हैं यहाँ से खाना, और इनको अब मैं फाइनली भेज देता हूँ। इनके जो है उसके अंदर यहाँ से इनको अब मैं भेजूँगा तो ये चले जाएंगे। चलो चले जाओ, यहाँ से इनको इसके अंदर भेजना भी जो होता है ना इस टाइम पे मुश्किल ही होता है, क्योंकि ये जब अंधेरा हो जाए तो ये खुद ही चले जाते हैं। उससे पहले जब इनका दिल नहीं करता जब तक तब तक ये नहीं जाते। फिर जाओ चलो जाओ यार, पता नहीं क्या हुआ, कौन ये दूसरी साइड से दरवाज़ा खोल के इनको भेजना पड़ेगा। यार ये देखें अब ये फाइनली एक चला गया और ये दूसरा भी अभी चला जाएगा अपनी टनल के अंदर। अब इसको जो है मैं बंद कर देता हूँ पत्थर से। ये इसको मैंने बंद कर दिया, अब ये इसके अंदर से रात को बाहर नहीं आ सकेंगे। तो यार आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर ये अच्छी लगे उसको कर दें लाइक, और हमारे चैनल पेट्स इनकेज को कर दें सब्सक्राइब। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।